वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यदि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नहीं पता है तो ये प्रश्न हल करना आपके लिए मुश्किल है। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, वो देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो सबसे पहले हमको धनात्मक पूर्णांक, इसमें क्या कह रखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से, और जो माइनस के हैं वो ऋणात्मक। एक एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये किस रूप का हो सकता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर तथा b से छोटा है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और जहां ये जो शेषफल r है वो भाजक से छोटा है और 0 से बड़ा या उसके बराबर है। इसको पूर्णतया समझने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का वीडियो देखें। अब हमारे पास है 3m या 3m प्लस 1, ये भाजक है हमारा, कितना है? 3। तो b का मान यहां पर कितना है? 3 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? a बराबर 3q प्लस r, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब 3 का भाग देने पर शेषफल क्या हो सकता है? 3 का भाग देने पर ये जो शेषफल r है क्या हो सकता है? या तो पूरा भाग चला जाए, शेषफल 0, या शेषफल 1, या शेषफल 2। 3 का भाग देने पर शेषफल 3 तो नहीं रह सकता, क्योंकि 3 का भाग चला जाएगा फिर। तो 3 का भाग देने पर शेषफल 0, 1 और 2, 3 स्थितियां हो गई। पहली स्थिति में क्या है? a बराबर 3q प्लस 0, यानी शेषफल जब 0 हो जाए। दूसरी स्थिति में a बराबर 3q प्लस 1, जब शेषफल 1 रह जाए। और तीसरी स्थिति में a बराबर 3q प्लस 2, जब शेषफल कितना रह जाए? 2। अब ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है a, इसका हमें क्या करके देखना है? वर्ग, वर्ग करके बताना है कि ये 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अब हम इन तीनों स्थितियों का वर्ग करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? पहली स्थिति में है a बराबर 3q प्लस 0, दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। a बराबर 3q, वर्ग करने पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्ग, a स्क्वायर बराबर, यहाँ हम करेंगे 3q का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 3 की स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर। ये पहली स्थिति का मान आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ये किस रूप के हो सकते हैं? 3m या 3m प्लस 1। तो इसको 3 के रूप में लिखने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ 3 गुना 3q स्क्वायर, 3 गुना 3q स्क्वायर, 3 गुना q कोई पूर्णांक है उसका वर्ग करेंगे तो भी पूर्णांक आएगा, उसको 3 से गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक आएगा, तो उसको हम मान लेंगे k1। क्या मान लेंगे इसको? k1, यानी इसको हमने लिख दिया 3k1। ये पहली स्थिति का है। दूसरी स्थिति का देखिए, दूसरी स्थिति है a बराबर 3q प्लस 1, क्या करेंगे? वर्ग, ए स्क्वायर बराबर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है हमें, तो 3q प्लस 1 का कर दिया वर्ग, क्या आ गया? ये ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान 3q इंटू बी का मान 1 प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। अभी आ गया ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, क्यू स्क्वायर, ये तीनों गुणा करो, 2 3 6, 6 एकम 6 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। अब प्रश्न को दोबारा देखें तो 3m प्लस 1 दो रूप के हो सकते हैं, तो प्लस 1 हमारे काम आएगा। इनमें से हम 3 के रूप का बनाने के लिए 3 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं? 3 इंटू, यहाँ 3 3 9 तो क्या बच जाएगा? 3q स्क्वायर, ये 3 2 6 तो ये बच जाएगा 2q, आगे बच गया प्लस 1। अब इसको 3
क्यू, दो, ये सभी पूर्णांक हैं और इनको जोड़ने घटाने वर्ग करने पर पूर्णांक ही आता है। उस पूर्णांक को हमने मान लिया के टू प्लस वन। फिर इसके बाद में तीसरी स्थिति में यहां लिख देता हूं, तीसरी स्थिति में ए बराबर 3q+2। उसी प्रकार से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ए बराबर 3q+2 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको, क्या आ जाएगा ये ए स्क्वायर 3q² प्लस 2ab, 2 × 3q ए है और × 2 क्या है बी, प्लस 2 का स्क्वायर 3q² 3q² 9q² मल्टीप्लाई करें इनको, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12 q और 2 के स्क्वायर 4। अब हम प्रश्न में जैसे देख रहे थे 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए, तो प्लस 4 आ रहा है इसमें, 1 नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इस रूप में लिख देते हैं हम इसको, 9q² + 12 q और 4 को मैंने लिख दिया 3 + 1, 4 होता है ये। देखिए इन तीनों में से 3 को बना रहा है, 3 को मन ले लेंगे, ये 3 × 9, ये 3 × 4 = 12, 4q + 3 = 3, यहाँ 1 बच गया, आगे है +1। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आया है इसको हम कोई पूर्णांक मान लेते हैं k3, तो ये हो जाएगा आपका 3k3+1। यानी आपके पास तीनों स्थितियों में क्या क्या आया है, 3k1, 3k2+1 और 3k3+1। k1, k2, k3 इनके आप ब्रैकेट में आप लिख देना कि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। और जैसा कि आपको प्रश्न भी दे रखा है आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, किसी पूर्णांक m के लिए। तो ये k1, k2, k3 कोई पूर्णांक है, तो इसी प्रकार m भी कोई पूर्णांक है, तो हम k1, k2, k3 को किसी पूर्णांक m से रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए ये 3k1, 3k2+1, 3k3+1 में हम पूर्णांक को, ये जो k1, k2, k3 इनको m से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3m, 3m+1 और 3m+1। यानी हमने एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया और उसका वर्ग करने पर हमें किस क्या रूप प्राप्त होता है, 3m, 3m+1, 3m+1, यानी 3m और 3m+1 ये दोनों तो सेम है।